मैं पृथ्वी हूँ और इन दिनों कोरोना से बहुत परेशान हूँ। इस कोरोना ने मनुष्य का जीना ही मुश्किल कर दिया है। हालांकि इस मनुष्य ने मुझे बहुत परेशान किया। पेड़ काटे, पहाड़ खोदे, प्रदूषण फैलाया, शोर बढ़ाया, नदियों में कचरा फेंका, क्या क्या नहीं किया इसने। फिर भी मैं अपने मनुष्य को परेशान नहीं देख सकती। हे ईश्वर, इस कोरोना को रोक लो, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। वायरस के बीच रोगों के महापति रोग शिरोमणि को कोरोना का सलाम। आओ कोरोना आओ, आज बड़ी जल्दी आ गए। महाराज, काम तो कर रहा हूँ पर धंधा कमजोर कर रहा। अरे ऐसे हताश नहीं होना है हमको। खैर लाओ आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट लाओ। जी जरूर। अमेरिका 2,75,000। तुम तो कहते थे बड़े समझदार लोग यहाँ के। ये देखो स्पेन 1,70,700। इन्होंने भी तुझे बहुत लाइटली लिया है कोरोना। इटली 1,18,200। इनसे ही उम्मीद है। चाइना, खैर इनकी तो सबको पता है। ये तुम्हारे इंडिया के क्या हाल चाल है? वो नीचे वाला पेज देखिए, 2,500। यहाँ तो 1 अरब से ज्यादा लोग हैं। और ये रिकॉर्ड, अरे महाराज उधर मोदी ने लॉकडाउन डाल दिया। ये लॉकडाउन क्या है? अरे लोगों को घरों में घुसा दिया है। सड़कें, बाजार, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद। अब कहाँ से बनाऊं चेन? अच्छा तो मोदी ने यहाँ भी मास्क लगा दिया। क्या करूँ महाराज, थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि लोग बाहर निकलेंगे तो उसने रामायण महाभारत शुरू कर दी। महाभारत उस सब जब ये चलती थी तब भी सड़कें खाली हो जाती थी। क्या? अरे वो तेरे बिलवाड़ा की क्या हालचाल है? वहां भी तो तूने धमाल मचा रखी है। अरे पहले मचाई थी महाराज, पर अब तो प्रशासन ने मचा रखी है। जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या नहीं हो रहा है वहां पर? डॉक्टरों की फोर्स जीत जान से जुटी। मैं पॉजिटिव करता हूँ और वो नेगेटिव कर देते हैं। पुलिस सख्त है और कलेक्टर, कलेक्टर ने तो मेरा जीना हराम कर रखा। दिन रात मुस्तैदी से काम करता है। कौन है कलेक्टर? अरे है कोई राजेंद्र भट्ट, आपसे भी ज्यादा तेज है। जैसे मुझे वैसा काम। उन साधारण मनुष्य से डर गया तो क्या है उनके पास? उनके पास सोच है, जज्बा है, जुनून है, निष्ठा है और दिन रात हराने की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। कुछ सोचो कोरोना, कुछ करो। क्या सोचो क्या सोचो? सोचो कि लोगों को कैसे बाहर निकालें, क्या लालच दी जाए उनकी बुद्धि को नष्ट कर और वो बाहर आएंगे। यह था महाराज, मैंने कुल बुद्धि को भेजा था। ये देखिए
क्या मनुष्य को घर से बाहर निकालना है? करती हूँ कुछ। प्यारे मनुष्य, क्यों घरों में चुप कर बैठे हो? बाहर निकलो, कोरोना की भूख मिटाओ। क्यों बैठे हो चुप कर अंदर? आओ सड़कों पर गले मिलो, पार्टी करो, नाचो। सोच क्या रहे हो? निकलो भी, कोरोना का साथ दो। आओ सड़कों पर, आओ पार्टी करो, गले मिलो। मनुष्य निकलो, आ भी जाओ, बाहर निकलो। प्यारे मनुष्य बाहर आओ, आओ आओ ना। कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हेलो यार, कोरोना कोई बाहर नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश करी, सब बुद्धिमान हो गए। मुझसे नहीं होगा कुछ, तो कुछ और सोच ले। मैं तो चली रामायण देखूं। और हाँ, फोन मत करना। मुझे कुछ फर्क पड़ा? लोग झांसे में आए? हाँ आए तो है, पर बहुत कम। तो देखा आपने, ये सब तो सोचने लगे हैं अपने फायदे की बात। और आप क्या सोच रहे हैं? आपका फायदा किसमें है? अरे यार बहुत सिंपल है, हमारा फायदा इसी में है कि हम कुछ दिन और घरों में ही रहें। और जब ये कोरोना थक हार कर चला जाएगा तो ये बाजार, सड़कें, गलियां सब अपने ही तो है। तो याद रखिए, बस कुछ दिन और। ये मास्क और ये दूरी कुछ दिन और जरूरी।